दोस्तों आजकल एक बीमारी बहुत ही कॉमन होते जा रहा है जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में भारत के काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह है आई फ्लू। आपने सुना ही होगा आई फ्लू काफी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि मेन कारण है ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने का मौका मिल जाता है, ये बहुत तेजी से रफ्तार से बढ़ने लगते हैं और अभी उनके लिए फेवरेबल टाइम है क्योंकि पिछले काफी दिनों से बरसात हो रही है और बरसात होने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ गई है जिसके वजह से वायरस फैल रहे हैं। तो आई फ्लू का जो मेडिकल टर्म है इसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस क्या बोलते हैं? कंजंक्टिवाइटिस। आंख आना भी बोला जाता है इसको हिंदी में, आंख आ गया है। ठीक है, इसमें क्या होएगा? आपकी आंखें रेड हो जाएगी, आंखों में दर्द होगा, आंखों में चुभन होगा, चिपचिपा सा हो जाएगा और जब आप मॉर्निंग में सो के जगोगे तो आपकी आंखें नहीं खुल पाएगी। आई मड, कीचड़ वगैरह आते हैं आंखों से निकलते हैं ना, जो सुबह सुबह वैसे भी थोड़ी बहुत आती है लेकिन इस केस में ज्यादा आने लगता है। यदि आपको इसके सिम्टम्स ज्यादा दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 3 से 4 दिन में अपने आप सही हो जाता है। ये ज्यादा मतलब खतरनाक बीमारी नहीं है, ये आएगा 2 से 3 दिन आप परेशान जरूर हो सकते हैं लेकिन उसके बाद अपने आप सही हो जाता है। अब इसे कैसे बचा जा सकता है? तो जिनको भी आई फ्लू हुआ है आप उनके पास जाने से बचें। लोग वैसे कहते हैं कि ना किसी को आई फ्लू हुआ है आप उनसे आई कांटेक्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा, बट ये फैक्ट सही नहीं है। ये वायरस के थ्रू फैलता है और वायरस आपको आपके कांटेक्ट में आता है फिर जाके फैलता है, ना कि आंख मिलाने से ये फैल जाता है। ठीक है, इससे मेन उपाय है कि जो हाथों से बार बार ना आंख को टच ना करे, अपने फेस को टच ना करे और जब भी आपको टाइम मिले आप फ्रिक्वेंटली अपने हाथ को वॉश करते रहें साबुन से, जैसे कि लोगों ने खूब सारा हैंड वॉश किया था कोरोना का टाइम में, तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। अब जब ये हो जाए तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं? तो पहला उपचार बता रहा कि आप ना पानी को गर्म कर लें और उस पानी को गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने दें और फिर कॉटन के हेल्प से आप आंखों में धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप आंखों की सेकाई कर सकते हैं या आंख को खोलने के लिए या साफ करने के लिए उस पानी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पानी गर्म कर दिया जाता है उसके अंदर पैथोजेंस खत्म हो जाते हैं। दूसरा बेस्ट उपचार है, आपको पता ही है, हल्दी, इंडिया का देसी जुगाड़ जो मैक्सिमम चीजों में काम आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पानी लेना है आधा लीटर या उससे भी कम ले सकते हैं, उसमें आप हल्दी डालिए और उसको अच्छे से बॉयल कराइए। बॉयल होने के बाद जब उसका कलर येलो हो जाता है फिर उसको फिल्टर करिए और फिल्टर करने के बाद उस पानी को आपको आई ड्रॉप्स की तरह यूज करना है। सुबह शाम 2-2 ड्रॉप आप यूज करिए, बिल्कुल आपको काफी रिलीफ मिलेगा हल्दी से, क्योंकि जो हल्दी में प्रॉपर्टीज होती है ये किसी मेडिसिन से कम नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा अपने ख्याल रखिए और जिन लोगों को ये आई फ्लू हुआ है उनको ये वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।